Welcome to the MM Studio. YouTube channel. Watch and learn. Video tutorials. Subscribe now. Assalamualaikum, welcome to the MM Studios YouTube channel. मैं हूं आपका host Ali. Cricket 2007 complete patch making course के lesson number 31 और commentary session में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं. So dear friend, last video tutorial में हमने boundary music के बारे में पढ़ा था कि उसको किस तरह से make करते हैं, उसको make करके हमने play करके भी देखा था, बिल्कुल perfect उसने work किया था. तो याद रहे ये हमारा commentary session है. ये मैं फाइलें इसलिए आपसे बनवा रहा हूं क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर ऊपर थोड़ी सी महारत हासिल हो जाए, उसको यूज़ करने का आपको तरीका आ जाए, बाद में हम कमेंट्री जब मेक करेंगे तो आपके लिए मुश्किल दरपेश नहीं आएगी. तो इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएंगे वो सारे के सारे कमेंट्री पर होंगे. ये लास्ट ट्यूटोरियल है म्यूज़िक पर. अब ये म्यूज़िक क्या है, ये ऑडियो के अंदर जहाँ पे आपको सारे के सारे मिलते हैं, कमेंट्री मिलती है, दूसरे मिलते हैं बाउंड्री म्यूज़िक, उसके साथ एक म्यूज़िक फाइल होती है. म्यूज़िक फाइल वो जब आप गेम प्ले कर रहे होते हो और पॉज करते हो गेम को तो पीछे साउंड कुछ चलने लगते हैं आउट ऑफ कंट्री के, इंग्लिश कंट्री के. तो हम इसको किस तरह से रिप्लेस करेंगे अपने सॉन्ग्स के साथ और किस हद तक हम इसमें ज़्यादा सॉन्ग डाल सकते हैं, आप जितनी चाहे मर्जी सॉन्ग डाल सकते हैं, ठीक है. तो आज इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे. तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको देता चलता हूँ मैं अपने नोट पैड पर. तो चलते हैं नोट पैड पर. सो डियर फ्रेंड, लेसन नंबर 31, हाउ टू मेक म्यूजिक फॉर क्रिकेट 07 गेम. Hello dear friend, today I'm going to show you how to make music file for Cricket 07 game. Replace the music in Cricket 07 is finally easy and is a good place to start. We need two files. जो हमें फाइल चाहिए, सबसे पहले हमें Music.big फाइल चाहिए. किसके अंदर होगी, ऑडियो के फोल्डर के अंदर. उसके बाद हमें एक XML की फाइल चाहिए होगी जिसको हम कॉन्फिगर करेंगे अपनी मर्जी से, सेटिंग करेंगे, ठीक है. उसके बाद सॉफ्टवेयर हमें कौन कौन से चाहिए, एक तो BigGui चाहिए और दूसरा Ditty-Importer चाहिए. Ditty-Importer और BigGui का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार में हमेशा की तरह दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो. जिन लोगों ने हमारा लेसन नंबर 13 देखा वो आप उनको पता है कि Ditty-Importer सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा और किस, वो मेरी साइट से मिलेगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आगे हम चलते हैं जी. ये है जी Ditty-Importer, जिनको नहीं पता इसका इंटरफेस कुछ यूँ होगा, ठीक है. Ditty-Importer किस लिए यूज़ होता है, ये MP3 फाइल्स को ASF में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है, नोट रखनी है, क्रिकेट 07 में MP3 नहीं चलती. इसमें सपोर्ट करता साउंड की जितनी फाइल्स हैं वो ASF के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ठीक है. अब मैं यहाँ से ज़्यादा मजीद नहीं आपको बताऊँगा, मैं अब लेके चलता हूँ आपको स्टेप 4 पर. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देता हूँ, ठीक है. जब आपने ASF फाइल को उसके अंदर इंपोर्ट कर लेना है BigGui फाइल के अंदर, म्यूज़िक फाइल के अंदर, उसके बाद जब हमने इसको एडिट करना है तो किस तरह एडिट करना है ये मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको बता देता हूँ. ये XML की फाइल आपको इजीली किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओपन करने के लिए, ये नोटपैड पर ओपन हो जाएगा, ठीक है. कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा. यहाँ पर ये ट्रैक लिखा हुआ है TRAXX, ठीक है. यहाँ पर XXX इसका मतलब यही होता है कि ट्रैक है, ठीक है. यहाँ से ट्रैक स्टार्ट, फाइल का नेम यहाँ पे देना है ये खाली एरिया में, ठीक है. उसके बाद आर्टिस्ट नेम, किसने फाइल का नेम, आपने एक बात आपने नोट रखनी है, जो आपकी साउंड या फाइल का नाम होगा आपने वैसा ही यहाँ पे कैपिटल में या स्मॉल में वैसे का वैसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है. आर्टिस्ट नेम आप कोई भी लिख सकते हो, अपना लिख सकते हो, किसी और का टाइटल नेम वही आप लिख दो आर्टिस्ट का. उसके बाद एल्बम नेम कौन सी है, उसके बाद कंट्री नेम, आगे ये जो चीज़ें ये वैसे की वैसे आपने छोड़नी, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है. उसके बाद चेंज दी ट्रैक अकाउंट 11, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉन्ग डालने चाहते हैं तो आप 12, 13, 14, 15 और 51 इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा भी डाल सकते हो. वो कैसे डालते हैं वो इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बताऊंगा, ठीक है. तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्लोज होगी, अब हम करते हैं प्रैक्टिकल. तो सबसे पहले आपको सॉन्ग्स चाहिए, ठीक है. सॉन्ग्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है.
ये थ्री सॉन्ग हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके नेम आपके पास लेंथ ही होंगे या जितने आपने इनके नाम बिल्कुल छोटे छोटे कर देने, जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपको। आपने इनका रीनेम करके अपने नाम बिल्कुल छोटे छोटे रखने ताकि लिखने में आपको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये MP3 फाइल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ या पर्सनलाइजेशन में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए इसका फॉर्मेट MP3 है। तो इसको हमने ASF फाइल में कन्वर्ट करना है। आपको Ditty-Importer सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, आपको ईजिली मेरी साइट से मिल जाएगा। ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, ये Ditty-Importer को डबल क्लिक करके ऑन करता हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कन्वर्टर फाइल और ब्राउज, उसके बाद आउटपुट फोल्डर। कन्वर्टिंग फाइल कौन कौन सी, मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ब्राउज सबसे पहले ये तीनों फाइल, ठीक है, डेस्कटॉप में मेरी सॉन्ग्स, ये थ्री फाइल्स। सबसे पहले मैं ऊपर वाले फाइल पर क्लिक करके ओपन करवाता हूँ, उसके बाद आउटपुट फोल्डर में डेस्कटॉप ही रख देता हूँ, इस एरिया में ओपन। ये इम्पोर्ट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया, रीडिंग शुरू होगी, तो ये हमारे जो फाइल्स हैं वो ASF में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, एक फाइल ये होगी, ये। इसी तरह आपने बाकी फाइल्स को वन बाय वन कर लेना। ये याद रखना है कि जौन सी फाइल का नेम होगा, फाइल नेम आपने बिल्कुल वैसे के वैसे रखना है। आर्टिस्ट नेम या कंट्री नेम वो आप कोई भी रख सकते हो, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है, ये भी होगी। उसके बाद लास्ट फाइल तीन में ऐड करने लगा हूँ, टाइटैनिक। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने आपको जस्ट हिंट देना कि किस तरह से हम वर्क करते हैं बिल्कुल प्रॉपर विदाउट किसी एरर के। ठीक हो गया, इसका काम सॉफ्टवेयर का ख़त्म, बस इतना इसका काम था। ये देखा, तीनों फाइल यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या करना है, हमें दो फाइल्स चाहिए, जैसे कि मैंने नोटपैड पर बताया था, एक म्यूज़िक की और दूसरा XML की। XML की फाइल आपको ईजीली BigGui सॉफ्टवेयर में, इसका मैंने कोड आपको दिया हुआ है, वहाँ से इसको कॉपी कर लें या फ्रेश लिस्ट में से ढूंढ के ये निकाल लेना आप, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो होगा वो कुछ यूँ होगा इंटरफेस इसका, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो म्यूज़िक का BigGui की जो फाइल है, ये सारी की सारी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 11 है इसके अंदर ट्रैक, तो ये कहाँ से मिलेगी, ये आपको सिंपल आपने क्या करना है, गेम के अंदर जाना है, फ्रेश गेम के अंदर, उसके बाद ऑडियो के अंदर आप देखेंगे ना, तो ये पड़ी होगी म्यूज़िक। इसको आपने ईजीली कॉपी करके यहाँ पे डेस्कटॉप पर अपनी आसानी के लिए रख लेना है, एडिट करने के लिए, या आपकी मर्ज़ी आप जहाँ भी रखो, ठीक है। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये हमारी जो तीनों फाइल्स हैं यहाँ पे ASF में कन्वर्ट हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक पर्सनलाइजेशन या प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं ASF। अब आपने क्या करना है, BigGui सॉफ्टवेयर की मदद से इस म्यूज़िक की फाइल को ओपन करना है। ये जो पहले वाला म्यूज़िक ट्रैक है, इसको आपने रिमूव कर देना है, सिलेक्ट करके यहाँ से ये क्रॉस वाले ऑप्शन को रिमूव, यस। उसके बाद इंपोर्ट और डेस्कटॉप पर हमारी वो तीनों फाइल जो पड़ी हुई हैं, टू इंग्लिश सॉन्ग हैं और एक नुसरत फ़तेह अली खां का। तो ये देखें, आपने इनको इंपोर्ट करवा देना है, हो गया इंपोर्ट। यहाँ पे रीबिल्ड ऑप्शन, लो जी BigGui का काम भी ख़त्म, हमारी म्यूज़िक की जो फाइल रेडी। अब आपने क्या करना है, इसको ऑन करना है यहाँ पर XML की। इसकी आप क्या करनी है, आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसकी सेटिंग करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर, अब आपको समझाता हूँ मैं। ये काउंटिंग 11, यानी कि 11 ट्रैक ऑलरेडी थे जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप प्ले करते हो तो आपको पता है, एक दो तीन, इस तरह चार पांच से नीचे। अब आपने क्या करना, अगर आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करने हैं तो आपने क्या करना, सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं 15 कर देता हूँ, यहाँ पे 15, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो 11 है, ये सारा एरिया जो 11। अब आपने क्या करना है, किसी भी एक फाइल को ये नीचे वाले को पकड़ लें, ये ऐसे 11, इस तरह आपने यहाँ पे रख के एंड पर। आपने एक बात नोट रखनी, ये जो एंड वाला है ना, ये ग्रेटर देन या लेस देन स्लैश ट्रैक ट्रिप्लेक्स, इसके बाद ये ऑफ, इसको आपने कुछ नहीं करना, इसके नीचे आपने ऐड करते जाना। ये देखिए 11, उसके बाद 12, इस तरह से आपने 13, फिर 14, इस तरह आपने ऐड करते जाना। लेकिन फिलहाल मेरी फाइल जो 3 है, मुझे इनकी नहीं ज़रूरत, मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेकर इन सब को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट ओनली 3 फाइल्स रहने देता हूँ, 1 2 3, ये यहाँ से बाकी फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ बैक स्पेस। अब देखें ये है 1 2 और 3,
अब अपने सिंपल ये देखें फाइल नेम, फाइल नेम एक ऐसी चीज़ है ये वाली आपने बिल्कुल एक्यूरेट देनी है जो यहाँ पे होगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ ये टाइटैनिक है ना, इसको मैं रीनेम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जगह मैं इसको सिलेक्ट और यहाँ से पेस्ट, ये आपने करेक्ट देना है जो होगा फाइल के ऊपर। इसी तरह आपने क्या करना है, आर्टिस्ट नेम मैं यही दे देता हूँ टाइटैनिक ही दे देता हूँ, टाइटल जो है वो भी टाइटैनिक ही दे देता हूँ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एल्बम नेम जो है वो भी मैं टाइटैनिक ही दे देता हूँ, ठीक हो गया। बाकी ये नीचे वाला एरिया ये आप ठीक है, ये यूएसए है तो यूएसए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नीचे वाली फाइल आ जाते हैं ये वाली, इसको भी आपने रीनेम कर लेना, फाइल नेम इसकी जगह पर हार्डलैंड की जगह पर आपने ये रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आर्टिस्ट नेम हार्डलैंड यही, क्योंकि इसका मुझे आर्टिस्ट का तो पता नहीं अब क्या चीज़ है ये, टाइटल भी यही ठीक है। उसके बाद एल्बम भी मैं यही दे देता हूँ क्योंकि मुझे अब एल्बम का तो पता नहीं कौन सा सॉन्ग, और यूके की जगह पे मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसए। बाकी वैसे अब ये किसी दा लिखा हुआ है, नुसरत फतेह अली खां की एक गज़ल है, टाइटल यही आर्टिस्ट नुसरत लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद टाइटल सॉन्ग जो है ये, एल्बम का भी मुझे पता नहीं है, नुसरत यही लिख देता हूँ। बाकी उसके बाद कंट्री आ जाएगी यहाँ पे, आपने इसको रिमूव करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी ए के यानी कि पाकिस्तान, और सेव सॉरी यहाँ पे आपने क्या करना, 3 डाल देना, 3 इट मीन 3 है ना, 3 डाल देना, सेव। लो जी अब आपने क्या करना है, अब इस फाइल को इनको सेव करना है किस किस जगह पर, ये XML फाइल तो भाई सेव होगी, ये उसी के अंदर जहाँ से हमने कॉपी किया इसको रिप्लेस कर देना। अभी हम करते हैं तो मैं इस सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ गेम सॉरी म्यूज़िक को, और गेम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ यहाँ पे ऑडियो के अंदर, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट और रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया जी रिप्लेस। उसके बाद ये XML की फाइल जो है इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको बाहर पेस्ट करना है आपने, ठीक हो गया। अब मैं गेम को यहाँ से प्ले करके देखता हूँ, सो गेम मैंने यहाँ से प्ले कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ माई क्रिकेट पर, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग, और ये देखें जॉक बॉक्स, ये देखें हमारे 3 सॉन्ग्स। अब किसी पर भी मैं क्लिक करूँगा तो वो प्ले हो जाएगा, जैसे कि टाइटैनिक, इस तरह अगर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हो ट्रैक टाइटल जो है किसी दा, उसके बाद आर्टिस्ट नेम नुसरत और एल्बम नेम अली, इस तरह से ये टाइटल। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा म्यूजिक को मेक करने का लेसन आज का। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरी मदद कीजिएगा, जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी उतना ज़्यादा मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी। और सब्सक्राइब करने से पहले आपके पास एक अलार्म का ऑप्शन होगा या घंटी नुमा होगा, उसको आप ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए आपको फौरी नोटिफिकेशन आपके मेल के ज़रिए आपको पहुँच जाए। तो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए कमेंट्री जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है कमेंट्री, उसको लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़, गुड बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।